नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर। आज का जो करंट अफेयर है 1 अक्टूबर 2021 का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है और काफी सारे बच्चों की मुझे डिमांड आ रही थी कि करंट अफेयर स्टार्ट करवाया जाए, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं तो करंट अफेयर उनमें अहम योगदान होता है। चाहे आप यूपी के एग्जाम उठा के देख लो, जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, एचएसएससी, यूपी के जितने भी यूपी पीसीएस, तो सभी में करंट अफेयर का बहुत योगदान है। तो एक मैंने कोशिश की है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा। इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं हम शुरुआत, और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और इसमें स्टैटिक जीके भी मैंने शामिल किए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। तो आप भी हिम्मत बनाए रखिए, आपका जो है सपना जरूर पूरा होगा। ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट ये मिलेगा कि सारी पीडीएफ जो है सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ मिल जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, इसने जितने भी हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए जो है एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि 14567 ये एक टोल फ्री नंबर है जिसको सरकार ने जारी किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, ए, इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो है टोल फ्री नंबर सरकार ने, ताकि जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी कुछ समस्याओं को जो हल किया जा सके, उनके दुख सुख को सुना जा सके, ये तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने ये जो है शुरू किया है। ठीक है, और इसको एक नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, एल्डर लाइन। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ एल्डर लाइन, तो ये टोल फ्री नंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, विवेक राम चौधरी, राकेश कुमार, नटराज केसवन, संजय कुमार दास। तो राइट आंसर है आपका यहाँ पे विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो है एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल बने हैं। ठीक है, भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारी एयरफोर्स है, जो हमारी एयरफोर्स है इसकी स्थापना कब हुई, तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं आपसे पूछ ले, तो कब मनाते हैं डे, 8 अक्टूबर को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और हमारे सीडीएस कौन है, वो है बिपिन रावत, और तीनों सेनाओं के जो है सर्वोच्च कमांडर जिसे हम कहते हैं वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कितने नए मेडिकल कॉलेज है उनका शिलान्यास किया है। फोटो में भी आप देख पा रहे हैं, अच्छे से याद होगा, राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज, सिरोही जिला, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और दौसा। तो टोटल कितने हो गए आपके, 4 जिले हो गए। ठीक है, तो यहां पर 4 जिले और 4 ही मेडिकल कॉलेज है। ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से किस जिले में नहीं है, तो सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, दौसा, आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, अर्जन सिंह, प्रताप चंद्र लाल, संदीप सिंह, विवेक राम चौधरी। तो एयर मार्शल संदीप सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह है ये क्या बने हैं, उप प्रमुख बने हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विवेक राम चौधरी तो क्या हो गए, प्रमुख हो गए भारतीय वायुसेना के, और भारतीय जो है जो हम नए उप प्रमुख की बात करें तो यहां पर संदीप सिंह हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस टीम ने राइडर कप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। राइडर कप जो है इसका संबंध, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध है गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से है, और जो अमेरिकन टीम है इसने जो है किसको हराया है, यूरोपियन टीम को हराकर इसको हराया है। ठीक है, इसको हराकर जो है अमेरिकन टीम ने ये जो खिताब है गोल्फ का, राइडर कप, वो अपने नाम किया है। क्लियर है? नेक्स्ट है, नाजला बुदेन रमधाने किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो
तो ये बनी है भाई ट्यूनीशिया की, कौन से देश की, ट्यूनीशिया की बनी है, याद रहेगा जो है ट्यूनिस इसकी कैपिटल है, राजधानी आपसे पूछ ले ठीक है तो इसकी कैपिटल क्या है, ट्यूनिस याद रहेगा। और यहां पर ट्यूनिशियन दिनार जो है यूज की जाती है करेंसी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले महानिदेशक बनाया गया है तो ई आर शेख को बनाया गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा मिड डे मील योजना, मिड मतलब जो है स्कूल के अंदर बच्चों को जो दोपहर के अंदर जो खाना मिलता है वो पहले क्या था, मिड डे मील योजना थी, उसका नाम चेंज करके अब कर दिया पीएम पोषण योजना। आप देख पा रहे हैं पीएम जो है पोषण शक्ति निर्माण या पीएम पोषण योजना है। इस योजना को हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 11.82 करोड़ चिल्ड्रन स्टडिंग इन 11.20 लाख स्कूल कवर्ड इसमें किए जाएंगे, और इसमें जो पैसा खर्च होगा वो कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, 1.3 लाख करोड़ रुपए इसके ऊपर जो है खर्च किए जाएंगे ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना रुपए इस योजना के ऊपर खर्च होगा पीएम पोषण योजना पे, जो पहले क्या थी, मिड डे मील योजना थी। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियरिंग पहल शुरू की है, इसको स्पेस कर लेना, इंजीनियरिंग पहल शुरू करने की घोषणा की है। तो यहां पर जो है ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, अमेजन जो कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, इसने जो है ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एक एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसके तहत ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ही सिखाया जाएगा, इसके तहत लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अमेजन आप जानते हैं कि ये ई कॉमर्स कंपनी है, और इस कंपनी की जो स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को ठीक है, और इसके जो फाउंडर है उनका नाम है जेफ बेजोस, क्या नाम है, जेफ बेजोस, समझ आ गया। और इसके सीईओ की बात करें, सीईओ ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो उनका नाम है एंडी जेसी ठीक है, एंडी जेसी, और वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान संस्कृति और राष्ट्र ये जो बुक है वो किसने लिखी है, तो इंपोर्टेंट है कलराज मिश्रा ने, ये आप इसके जो कवर पेज पे भी देख सकते हैं। और इस बुक का जो इनोग्रेशन वो किया था भारत के उपराष्ट्रपति, किसने, भारत के उपराष्ट्रपति ने, एम वेंकैया नायडू ने, संविधान संस्कृति और राष्ट्र। तो बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फोटो के माध्यम से भी आपको जो है थीम बन जाएगी, आपको अच्छे से समझ भी आएगा ठीक है। चलिए लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा, उससे पहले 5 स्टैटिक के क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, तो ये मंदिर कहां पर है, केरल राज्य के अंदर है, कौन से राज्य में है, ये केरल के अंदर है, याद रहेगा आपको केरला स्टेट, जिसमें हम बात करें केरला की, तो यहां पर पिनरई विजयन सीएम है ना केरला के, तो ये भी आप ध्यान रख लेना, सीएम वाली और गवर्नर वाला भी वीडियो मैंने करवा दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहां पर हुआ था, गुवाहाटी असम के अंदर। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, रेशम कीट पालन, बहुत बार आता है, एसएससी तो देता ही देता है ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहां है, तो ये शिमला के अंदर। कुर्नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहां है, तो ये तमिलनाडु के अंदर है ठीक है। तो ये स्टैटिक भी आप साथ साथ कवर करें, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आए हुए क्वेश्चन मैं स्टैटिक जीके में शामिल किए हैं, ये सारे के सारे एसएससी में आए हुए हैं ठीक है। चलिए आज के लिए आपका जो एक क्वेश्चन है आप इसको कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर देंगे, विश्व पर्यटन दिवस 2021 के विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किसने किया, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अमित शाह, कमेंट सेक्शन में आप इसका मुझे आंसर देंगे। वीडियो कैसा लगा, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, और यहाँ पर ये टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।